जो चुने हुए हैं वो थोड़े हैं। मेरे प्रियो, प्रभु बहुत सारे लोगों को बुलाता है और उन बुलाए हुए में से परमेश्वर चुने हुए को अलग करता है। आज का जो टॉपिक है, संकट, विपत्ति या दुख जो है वो चुने हुओं को बुलाए हुओं से अलग करता है। कैसे? सुनिए, एक वचन निकाले मेरे साथ में आप मत्ती उसका 22 अध्याय और उसका 14 वचन को, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। मेरे प्रिय, बुलाए हुए बहुत हैं, बहुत हैं, अर्थात परमेश्वर ने बहुतों को बुलाया है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से। पिता परमेश्वर ने बहुतों को बुलाया है और बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के पास आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो आ रहे हैं, लेकिन उनमें जो चुने हुए हैं वो थोड़े हैं। मेरे प्रियो, प्रभु बहुत सारे लोगों को बुलाता है और उन बुलाए हुओं में से परमेश्वर चुने हुए को अलग करता है। यशाया 48 और उसका 10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, दुख की भट्टी में डालकर मैंने तुझे परख कर चुन लिया है। क्यों चुन लिया है? ताकि उस चुने हुए के माध्यम से प्रभु अपनी सामर्थ दिखाए, अपनी महिमा को दिखाए, बड़े बड़े काम करे, अपनी बड़ी आशीषों को दिखाए, अपना स्वभाव दिखाए, अपने आप को प्रकट करे। मेरे प्रियो, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमारे चर्च में भी हजारों लोग आते हैं लेकिन उनमें जो चुने हुए हैं वो थोड़े हैं। और मालूम कैसे चलता है? ये वो लोग हैं जिनको परमेश्वर ने इनको दुख की भट्टी में डाल डाल कर परखा है, अपने लिए, अपनी भक्ति के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, कलीसिया के उन्नति आशीष का कारण होने के लिए, एक बड़ा काम करने के लिए, इतिहास रचने के लिए, बड़ी आशीषों के लिए, बड़े नाम के लिए, बड़े शोहरत के लिए, देने के लिए परमेश्वर बुलाए हुए में से चुनता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं, जो बुलाए हुए होते हैं और जो चुने हुए होते हैं, इनकी आशीषें सेम नहीं होती, इनके पद सेम नहीं होते, मान सम्मान सेम नहीं होता, खुदा जो महिमा देता है इनको सेम महिमा नहीं देता, इनके ऊपर खुदा का ग्रेस भी सेम नहीं होता, फेवर भी सेम नहीं होता, एनॉइंटिंग भी सेम नहीं होता, गिफ्ट भी सेम नहीं होता। लेकिन जो चुने हुए हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर बुलाए हुए को सबों को आशीष देता है। लेकिन मेरे प्रियो, कुछ आशीषें ऐसी होती है जो बड़ी है, कुछ सेवकाइयां ऐसी जो बड़ी है, बड़ी सेवकाइयां, बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा नाम, बड़ी शोहरत, बड़ी महिमा, बड़े बड़े मिरेकल्स के काम करना, या कुछ बड़ा करना, इतिहास रचने वाला काम करना, या कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनना, ये चुने हुए लोग होते हैं। ये जिनके बारे में, ये चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होता है। लेकिन इसलिए, क्योंकि चुने हुए लोग इसके लिए कीमत चुकाते हैं, और वो कीमत क्या होता है कि परमेश्वर इनको समय समय पर दुख की भट्टी में डालकर इनको परखता है। इसीलिए इनकी आशीषें बड़ी होती है, नाम बड़ा होता है, शोहरत बड़ी होती है, पैसा ज्यादा होता है इनके पास, सब कुछ बड़ा होता है, मान सम्मान सब कुछ ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये वे चुने हुए लोग हैं जो बुलाए हुए में से ही निकल करके आए हैं, लेकिन इन्होंने कीमत चुकाई है। परमेश्वर बुलाए हुए लोगों को भयंकर दुख की आग की भट्टी में डाल करके नहीं परखता, क्योंकि हर कोई दुख नहीं सह सकता परमेश्वर के लिए। हर कोई दुख की परीक्षा में पढ़ करके प्रभु में बना रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए परमेश्वर हर किसी को दुख से होकर के नहीं गुजारता। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से हैं बुलाए हुए लोग हैं जिनके जीवन में कुछ ऐसा खास दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। अब संसार में और शरीर में है तो थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मेरे जो बुलाए हुए थे उनके जीवन में वैसा दुख नहीं होता, वैसा कष्ट नहीं होता, वैसा सताव भी नहीं होता, वैसा विरोध भी नहीं होता, वैसी समस्याएं भी नहीं होती उनके जीवन। चल रहा है एक मसीह जीवन, चल रहा है, ब्लेसिंग भी एवरेज में है, सब कुछ, ऐसा नहीं बोल सकते घटी कम है, सब कुछ है। लेकिन उन्हीं बुलाए हुए में से मेरे प्रियो परमेश्वर चुनता है इतिहास रचने के लिए, बड़े काम के लिए। और वो चुनाव कहां होता है? दुख की भट्टी। मतलब जो बुलाए हुए लोग होते हैं ना मेरे प्रियो, उन बुलाए हुए लोगों में कौन चुना हुआ है, कौन बड़े काम कर सकता है, ये परमेश्वर कैसे डिसाइड करता है? बुलाए हुए लोगों को ही कई बार दुख में डालता है, कई बार किसी को बहुत चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, लेकिन परख लेता है कि ये दुख में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और ये बैकस्लाइड हो जाएगा, ये मेरे को छोड़ देगा, तुरंत उसको दुख से बाहर निकालता है, उसको फिर नॉर्मल रखता है। नॉर्मल, तुम बुलाए हुए कैटेगरी में ही रहोगे, तुम चुने हुए कैटेगरी में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम सह नहीं सकते, सहनशीलता नहीं है तुम में, तुम उतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते तुम बड़ा काम भी नहीं कर सकते। तो सारे बुलाए हुए लोगों को परमेश्वर परखता है दुख की आग की भट्टी में, लेकिन बहुत थोड़े होते हैं जो चुनकर बाहर आते हैं। सभी बुलाए हुए को परमेश्वर परखता है दुख की भट्टी में डालकर, लेकिन जब वो देखता है कि नहीं, ये लोग नहीं सह पाएंगे, ये छोड़ देंगे, बैकस्लाइड हो जाएंगे, तुरंत निकालता है और नॉर्मल कर देता है। लेकिन जो
प्रभु में बना रहता है, दुख की आग की भट्टी में भी जो बना रहता है प्रभु उसको परख, और उसके बाद ये व्यक्ति चुन करके बाहर आता, और जब चुन कर अब बाहर आता है तो इसके जीवन में परमेश्वर का ग्रेस, फेवर, एनॉइंटिंग, ब्लेसिंग ये सब सेम नहीं होती, ज्यादा होती। इसलिए मेरे प्रिय, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, और ये चुने हुए वे हैं जिन्होंने जो कीमत चुकाते हैं खुदा के लिए। इसलिए सब कुछ आप इनके जीवन में बहुत अच्छा, बेस्ट और बहुत बड़ी बड़ी आशीषें, बड़ा नाम, बड़ा सम्मान, बड़ा शोहरत देखेंगे। हमको बड़ा नाम दिखता है, महिमा दिखती है, शोहरत दिखता है, वरदान दिखते हैं, हमको ये नहीं दिखता कि ये सब पाने के लिए उन्होंने कीमत चुकाई है। और वो कीमत क्या थी? दुख। ये दुख की भट्टी में डाल करके परमेश्वर ने उनको परखा है। मेरे प्रिय, ये जो परख शब्द का जो उपयोग किया गया है ये इस प्रकार से है जैसे विद्यालय के पाठ्यक्रम की परीक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है।